इट्स अ गुड बाय टू ऑल ऑफ देम। जंप मार रहा है मस्त, जंप। सो फाइनली सुबह के 6:15 बज रहे हैं और हम निकले हैं दिल्ली के लिए। होपफुली वी रीच दिल्ली सेफ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन द मिडल। आई थिंक रात को किसानों को जगह दे दी गई है, सो थिंग्स शुड बी फाइन इन द वे, बट वी रियली डोंट नो। एंड जब हमने पूछने की कोशिश की काफ़ी लोगों से, देयर वर क्वाइट सम स्पेकुलेशंस। कुछ लोग बोल रहे थे सेफ, सम पीपल वर सेइंग अवॉइड करो एक दो दिन और। इसके एग्जाम्स हैं एंड आई वॉन्टेड टू गेट बैक टू द वेडिंग ग्रुप, सो इसीलिए हमने कहा चलो देख लेते यार क्या होता है। तो निकले हैं दिल्ली के लिए, अब लेट्स सी कब पहुँचते हैं, कितनी देर में पहुँचते हैं। विल कीप यू गाइस पोस्टेड। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग, सी यू गाइस। तो यार सीन कुछ ऐसा हो गया कि काफ़ी ट्रैफिक है। आई थिंक जो होल्स ड्रिल किए गए थे सड़कों पे सो दैट ट्रैक्टर्स कैन नॉट पास, उसकी वजह से है शायद। हमने एक साइड का रास्ता लिया है, बट यहाँ पे जो पुलिस वाला है, ही इज़ मेकिंग पीपल गो यू टर्न एंड गेट बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम, एंड वी रियली नीड टू गेट बैक टू दिल्ली। सो इट इज़ अ बिट ऑफ अ टास्क, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं यार, सीम्स डिफिकल्ट बट लेट्स सी, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। मतलब सड़कें तो खुली हैं यार, यहाँ से जाने वाले में काफ़ी ट्रैफिक है। आई फील दैट इज़ ओनली बिकॉज जो सड़कों की हालत ख़राब हुई होगी। काफ़ी पंगा लग रहा है हमारे ड्राइवर भी, पूछने तो गए हैं पुलिस वाले से, बट थिंग्स डोंट सीम टू बी नाइस एट दिस मोमेंट। ये जंक्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ से यू टर्न मारने बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ रॉन्ग वे में जाने की कोशिश कर रही हैं। देखो यहाँ पे भी, और एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो रॉन्ग वे। ये किसानों की गाड़ियाँ हैं, ये भी रॉन्ग वे निकल रहे हैं। ये तो ज़बरदस्ती निकल जाएंगे भाई, हम निकल पाए ना निकल पाए। और इस साइड फुल पैक जाम है जो अभी चलना शुरू हुआ हल्का हल्का। आप देखो पूरा ट्रैफिक जाम है, हम रॉन्ग साइड चलते चलते काफ़ी आगे तक आ गए हैं, बट वी स्टिल डोंट नो कि व्हाट लाइज अहेड। आगे हमें जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, वी हैव नो आइडिया। एक मीडिया की गाड़ी जा रही थी एंड ऑल दी कार्स आर जस्ट फॉलोइंग दैट वन कार, बिकॉज वी आर होपिंग कि मीडिया को रोकेंगे नहीं, तो हम लोग उनके पीछे पीछे सब गाड़ियाँ सबने गाड़ियाँ लगा ली हैं। और इधर आप देख रहे हो पूरा ट्रक्स का जाम है, एंड आगे कुछ तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक है, अदरवाइज ट्रैफिक नहीं होता। सो यार फाइनली वी हैव मैनेज्ड टू एंटर दिल्ली आफ्टर 4 hours ऑफ अटेम्प्ट एंड ड्राइव। हाईवे पूरा ब्लॉक था, 30-40 किलोमीटर्स ऑफ जैम पैक ट्रक्स एंड ऑल द ट्रॉलीज एंड ट्रैक्टर्स। एंड हम लोग रॉन्ग साइड चल रहे थे काफ़ी टाइम, हमने अराउंड 10-15 किलोमीटर रॉन्ग साइड चला होगा, और उसके आगे जाके इट वॉज डेड एंड। सब लोग बैठे हुए धरने पे, आगे BSF है, CRPF है, पुलिस है, एवरीबडी इज देयर, सो यू देयर इज नो वे यू कैन क्रॉस। नीदर एनीबडी कैन कम फ्रॉम दिल्ली नॉर एनीबडी कैन गो फ्रॉम दिस साइड टू दिल्ली। सो वहाँ से हमने डेड एंड से यू टर्न लिया एंड वहाँ लोकल से पूछा तो अंदर से एक रास्ता था अंदर गाँव से, एंड वी टुक दैट रिस्क। एंड मैप्स नहीं चल रहे थे इनिशियली, बट थोड़ी देर के बाद मैप्स चलने शुरू हो गए, तो मैप्स को फॉलो करते 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 साइड के कोई बॉर्डर से हम लोग अंदर घुसे हैं दिल्ली में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वी आर इन दिल्ली। मेरी नमन से बात हो गई है, आई विल गो होम फ्रेशन अप थोड़ा बहुत ईट बिकॉज आई एम हंग्री। मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्लीप। मतलब 2 बजे तक हम लोग मस्ती कर रहे थे, 2-3 बजे तक, एंड उसके बाद आई हैड टू वेक अप एट 6, सो आई डिडंट स्लीप एट ऑल। आई वुड टेक अ नैप, अ पावर नैप फॉर एन आवर और सो, गेट रेडी एंड देन पुश फॉर नमन्स प्लेस। भाई साहब को डांस सिखाना है, एंगेजमेंट पे करना है उन्होंने, रिसेप्शन पे भी करना है, तो डांस सिखाना है भाई साहब को, तो वो डांस सिखाएंगे उनको। तो अभी घर पहुंच के आप लोग से बात करता हूँ, कुछ खाऊंगा नहाऊंगा सोऊंगा एंड देन नमन के घर जाएंगे। तो हम काफ़ी लेट पहुंचे थे, अराउंड 10:30 बजे, सो तो नहीं पाया, हैड माय ब्रेकफास्ट, थोड़ा टाइम पास कर रहा था, बात बात कर रहा था। अभी बाहर आया हूँ, कुछ शॉपिंग करनी थी यार, तो शॉपिंग करने आया हूँ, शॉप करेंगे, घर जाऊँगा, पैकिंग करूँगा, विल गेट रेडी एंड देन पुश ऑफ टू नमन्स प्लेस। सो सीन कुछ ऐसा है कि आ तो गया हूँ, बट कल रिंग सेरेमनी है और उस पर पहनने के लिए मुझे कुछ चाहिए था। मैं अपनी तरफ से वेस्ट कोट लेके आया था, बट मैं शादी पे भी वेस्ट कोट पहन रहा हूँ,
सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिपीट द सेम. सो मैंने सोचा एक कैजुअल ब्लेजर लेते हैं. आई एम चेकिंग आउट सम ऑप्शंस. एक वो शॉर्टलिस्ट किया है, एक ये पहना हुआ है जो पसंद आएगा. दो तीन लोगों को कॉल करूंगा, पूछूंगा कौन सा अच्छा लग रहा है, वो ले लूंगा. सो अभी मैं आया हूँ दिल्ली की गफार मार्केट. मेरे को लेनी थी कुछ पगड़ियाँ. यहाँ देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोरोना वायरस आया हुआ है. आई विल शो यू इट. ये सीन्स है जब दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा है. जस्ट इमेजिन जब दिल्ली में कोरोना नहीं होता तो क्या होता. नो डाउट द केसेज इन दिल्ली आर राइजिंग लाइक एनीथिंग. एंड आई कांट ब्लेम पीपल क्योंकि मैं भी इस मार्केट में आया हूँ. नो मैटर व्हाट द रीज़न इज बट ऑल ऑफ अस आर हियर फॉर सम ऑफ द अदर रीजंस. सो फाइनली शादी वाले घर के लिए मैं निकल चुका हूँ. 10 दिन से दिल्ली पंजाब हरियाणा घूम रहा हूँ. शादी वाले घर नहीं गया था अभी तक. ये सामान मेरा फुल पैक्ड. 3 दिन के लिए जा रहे हैं बट सामान बहुत है यार. दोज हू नो मी दे नो इट रियली वेल दैट आई एम नॉट अ लाइट ट्रैवलर. आई कैन नॉट ट्रैवल लाइट एट ऑल. मैं एक्स्ट्रा टी शर्ट्स, एक्स्ट्रा स्वेट शर्ट्स, एक्स्ट्रा कपड़े रखता ही हूँ बिकॉज आई स्वेट अ लॉट. एंड मुझे नहीं पता होता कि कब मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल वेडिंग ड्रेस भी मैंने एक दो एक्स्ट्रा ही रखी है इन केस कुछ हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए. आई हैव एन एक्स्ट्रा ऑप्शन टू वेयर. सो यस आई विल शो यू माई स्माइल. रियली एक्साइटेड टू गो एंड मीट नमन. बैचलर्स पे मिले थे, उसके बाद आज मुलाकात हो रही है. बैचलर्स और आज को भी ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए हैं. हल्दी मिस कर दी थी भाई की, तो मिलना तो है. एंड वो भी वेट कर रहा है. जाके थोड़ा सब लोगों से मिल के सबको विश करके थोड़ा नाच गाना होगा. आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो भी. तो अभी चलते हैं भाई के घर एंड सीधा वहीं पे आप लोग से बात होगी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो वी डिड अ बिट ऑफ डांस प्रैक्टिस. थोड़ा खाना वाना भी खा लिया हमने. रात के 10 बज गए. मस्त माहौल है यार. दोस्त की शादी होती है तो खुशी बहुत होती है. एंड अभी मैं जस्ट नीचे उतरा हूँ. मेरा कज़न यहाँ रहता है. सो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड मीट हिम फॉर सम टाइम एंड देन पुश ऑफ. दोस्त आ रहे और रात को थोड़ा सेशन करेंगे अपना वाला, फिर सो जाएंगे. सुबह निकलना जल्दी 6 बजे. कल भी सोया नहीं था तो स्लीपी भी हूँ काफ़ी. बट अभी एक डांस सिखाया, एक डांस और सिखाना बाकी है. तो वो सिखाएंगे भाई को. उसके बाद देखते हैं कब सोते हैं और कब उठते हैं और कब निकलते हैं. रात के 2 बज रहे हैं. हम लोग जस्ट नीचे से आए, दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे. अभी मैं, सूर्यांशु और नमन घर पे. हमें भूख लग रही है. सो वी थॉट ऑफ डूइंग सम सलामीज एंड सीख कबाब्स. सो अभी इनको जस्ट थोड़ा सा हीट अप कर रहा हूँ. ये खाएंगे, शायद थोड़ी सी दारू और पी लें, पता नहीं, नॉट येट फिक्स्ड. एंड देन वी प्रॉब्ली स्लीप क्योंकि सुबह जल्दी उठना है. 5 बजे, 2 तो बज गए, कल लगने वाली एयरफोन. So that was all for the night. One more important thing is I'm currently on a trip to Himachal Pradesh, and if you want to follow my activities, go check out my Instagram handle @SickGoSleep. I'll see you guys in the next video.